हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्थी स्टूडेंट्स वी टॉक अबाउट संथेटिक फाइबर्स एंड देयर टाइप्स इन आर प्रीवियस लेक्चर्स टुडे वी आर गोइंग टू टॉक द लास्ट टाइप ऑफ संथेटिक फाइबर व्हिच इज़ पॉलीएस्टर एंड एक्रेलिक सो द लास्ट टॉपिक इज अवर आर एंड एक्रेलिक पॉलीएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर यानी कि जो पॉलीएस्टर है वो एक अनदर टाइप का एक अनदर एक और तरीके का सिंथेटिक फाइबर है फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली यानी क्या बोल रहे हैं कि जो फैब्रिक होता है जो फैब्रिक हमारे पॉलीएस्टर से बना हुआ है उसमें क्या होगा कि रिंकल्ड नहीं आएंगे यानी क्रीज नहीं आएगी आप देखते हैं ना जब हम कुछ क्लोथ्स uh, वगैरह पहनते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि रिंकल्स uh, आ जाते हैं कॉटन के जितने भी क्लोथ्स uh, होते हैं उसमें ईजिली बहुत जल्दी रिंकल्स आते हैं आते कि नहीं आते तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो पॉलीएस्टर है पॉलीएस्टर इज अन सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक्स मेड फ्राम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजिली यानी इसके जो पॉलिएस्टर के जो फैब्रिक होते हैं यानी जो पॉलिएस्टर से बना कपड़ा होता है बच्चों उसमें रिंकल्स नहीं आते हैं यानी कि क्रीज नहीं आती सिल्वटर नहीं आती ओके ईजिली इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश यानी ये क्या होता है वॉश wash, वॉशेबल भी होता है इजीली हम इसको वॉश कर सकते हैं कोई ज़्यादा हैवी नहीं होता है साथ ही साथ ये क्या होता है क्रिस्प होता है या नहीं क्या होता है कड़कड़ा कर, कर, ठीक है जैसे हम लोगों ने देखा है ना जब नए नए, नए कॉटन के क्लॉथ्स आते हैं तो क्या होता है वो बहुत टाइट होते हैं ईजी ईजिली नहीं वियर हो कर पाते हैं हम जैसे साड़ी या होती है उनको हम ईजिली वियर नहीं कर पाते हैं थोड़ा सा एफर्ट्स लगते हैं तो ये धीर लेकिन जब वो वॉशेबल हो जाते हैं दो तीन टाइम तो फिर स्मूथ हो जाता है लेकिन ये वाला कपड़ा क्या कह रहे हैं क्रिस्प होता है ठीक है सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये क्या बोल रही है कि एन जो ये आ, फैब्रिक जो होता है पॉलिएस्टर का जो फैब्रिक होता है बेटा फैब्रिक मीनिंग मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि कपड़ा होता है फैब्रिक का मीनिंग क्या होता है कपड़ा होता है तो ये फैब्रिक क्या होते हैं ईजीली क्या हो जाते हैं वॉशेबल होते हैं रिंकल नहीं आते हैं इसमें और साथ ही साथ ही क्रिस्प होने के साथ ईजी टू वॉश भी होते हैं और क्या होता है कि इससे हम कोई भी ड्रेस मटेरियल इजीली बना सकते हैं क्वाइट सुटेबल होते हैं ये कोई भी ड्रेस को बनाने के लिए यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग नाइस पॉलीएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं पॉलीएस्टर से बनी हुई शर्ट्स और ड्रेसेस को पहनते हैं जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स में होते हैं ना बहुत सुंदर सुंदर जैसे रेड पिंक एंड ऑल ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव कलर्स में ये क्लोथ्स हमें मिलते हैं ओके okay? नाउ टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलीएस्टर इट कैन बी ड्रोन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स डेट कैन बी वुवन लाइक एनी अद यान यानी अब यहाँ पर टेरेलिन की बात कर रहे हैं टेरेलिन क्या है एक पॉपुलर पॉलीएस्टर है बेटा जैसे कि अभी हम पॉलीएस्टर की बात कर रहे थे तो पॉलीएस्टर का ही एक पार्ट है टेरेलिन टेरेलिन क्या है पॉलीएस्टर है पॉपुलर पॉलीएस्टर है यानी कि ये ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा तो इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वुमन लाइक एनी अदर यान यानी टेरालिन को क्या किया जाता है जब ड्रॉन किया जाता है यानी जब इसको खींचा जाता है तो ये फाइनली इजीली खींच पतला पतला रेसे में खींच जा, जा ये ड्रोन हो सकता है अब ये क्या होगा इससे हम क्या करते हैं फिर इसे वोव कर सकते हैं यानी इसको फिर से हम इसको बुन सकते हैं जैसे कि अब और अदर जो वूल होता है ना अदर ऊन होता है जो वूल होता है वो क्या होता है उसको देखना कभी आप वूल को खोल के देखना तो उसमें दो तीन या ऐसे थ्री फोर वूल्स क्या होते हैं जो फाइबर होते हैं वो आपस में मिलके एक वूल प्रिपेयर कर लेते हैं ठीक है तो ऐसे ही वूव किया जाता है यानी कि बुना जाता है ओके पहेली इज योर सहेली कमे कम्स अगेन एंड सी वॉन्ट्स टू नो एंड सी वॉन्ट्स टू नो देखो ये फिर से तुम्हारे पास आ गई पहेली तुम्हारी सहेली क्या कह रही है माई मदर ऑलवेज बाइस पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स वॉर स्टोरिंग राइज इन सुगा आई वंडर दैटस मतलब वो पूछ रही है कि पहली बोल रही है कि मेरी मम्मी ना मार्केट से क्या करती हैं पेट बॉटल्स लेके आती हैं और जार्स भी लेके आती है उसमें स्टोर क्या करती हैं राइस यानी कि चावल सुगर यानी कि चीनी तो उसमें उसको स्टोर करती हैं और वो वो जानना चाह रही है कि मम्मी उस पेट बॉटल्स ही क्यों लेके आती हैं ओके तो यहाँ पे बेटा पैट क्या होता है पैट की फुल फॉर्म है बेटा पी ई टी की फुल फॉर्म होती है पॉली इथाइलिन ठीक है पॉली इथाइलिन टेरेफेलेट इसकी फुल फॉर्म है ये क्या है बेटा एक स्ट्रोंग एंड स्टिप फाइबर है ओके okay? ये क्या है एक स्ट्रांग स्ट्रांग माने मजबूत है ना ये स्ट्रोंग और स्टिप फाइबर है जो क्या है एक मेंबर है किसका है इट इज अ स्ट्रांग एंड स्टिफ फाइबर एंड अ मेंबर ऑफ अ पॉलीएस्टर फैमिली ऑफ पॉलीमर्स ओके ये किसका मैम किस फैमिली का है किस फैमिली से किस फैमिली का मेंबर है ये पॉलिएस्टर फैमिली का मेंबर है ठीक है फैमिली का है जो कि क्या है पॉलीमर्स हैं सारे के सारे हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में पढ़ाई स्टडी की थी ना पॉलीमर्स के बारे में देखो चलो अः पहली तुम्हारी सहेली आप लोगों से क्वेश्चंस कर रही है कि ऐसा क्यों तो चलो उसकी क्यूरसिटी को हम क्या करते हैं खत्म करते हैं उसको आंसर देते हैं अब देखो पैट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर यानी पैट क्या है बेटा बहुत ज़्यादा फेमिलियर है यानी आ, अगर देखो फेमिलियर किसे कहते हैं जैसे कि हम एक दूसरे से इजिली हम क्या कर सकते हैं मिल सकते हैं बातें कर सकते हैं हमें है, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग फेमिलियर हो जाते हैं देखो कुछ टीचर्स क्या होते हैं बड़े रूड होते हैं उनसे हम लोग बोल नहीं पाते बात नहीं कर पाते लेकिन कुछ टीचर्स क्या होते हैं वेरी फ्रेंडली एंड फैमिलियर तो हम उनसे क्या करते हैं बातें कर सकते हैं ठीक है ना तो ये पैट भी क्या है बेटा इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ अ पोलीस्टर इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स यूटेंसिल्स फिल्म वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स यानी इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं बच्चों बॉटल्स बनाने में आप लोगों ने देखा ना बिस्लरी की पानी बिस्लरी की बॉटल वो ऐड आता ना बिस्लरी की बॉटल पी के बन गया इंग्लिश मैन तो उसमें क्या है जो बिस्लरी वॉटर है किंगले है बहुत सारी ऐसी तुम लोग और चीज़ भी लेते हो जैसे फ्रूट जूस की बॉटल्स आती हैं उसमें छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं तो ये सारी की सारी बॉटल्स क्या हैं बेटा किससे बनी है पॉलीएस्टर से बनी है अब आप कहीं भी अगर वाटर पियोगे या लेके जाते हो या कहीं आप ट्रैवलिंग में जाते हो आपको वाटर बॉटल परचेस करनी पड़ती है तो आप देखते हो तो आपको पता चल जाएगा आप अपनी फैमिली में बता सकते हो कि मम्मी या पापा ये कि पता है किसका बना है ये पॉलीएस्टर का बना है है नाउ यूटेंसिल्स बर्तन जो हो गए हमारे फिल्म्स वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट जो भी हैं हमारे वो किससे बने हैं बच्चों हमारे पॉलीएस्टर से बने हैं ओके हम्म नाउ लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलीएस्टर अब देखो अपने आसपास देखो किचन में जाओ अपने रूम पे जाओ देखो आ, वहाँ पे देखिए कि आ, आपके एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए कि पॉलीएस्टर की बनी चीज़ें वहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रही हैं ओके नाउ पॉलीएस्टर पॉलीएस्टर तो मैम बहुत कर रही हैं चलो पॉलीस्टर के बारे में पढ़ लेते कि एक्चुअली होता क्या है ओके okay? पॉलीएस्टर पॉली प्लस एस्टर पॉली को कैसे करें पॉली और एस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर यानी पॉली एस्टर कैसे बना है बेटा इट इज़ मेड अप ऑफ अ रिपीटिंग यूनिट्स यानी कुछ यूनिट्स हैं जो केमिकल्स की कुछ यूनिट्स हैं जो रिपीट होती जा रही है मतलब बार बार आती जा रही है ओके okay, उनसे ये बना हुआ है केमिकल्स की रिपीट केमिकल्स की रिपीटिंग यूनिट से ये फॉर्म हुआ है ओके एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल्स आप देखो बेटा हमने क्या बात करी कि एस्टर क्या होते हैं एस्टर क्या होते हैं एस्टर वो केमिकल्स होते हैं जो फ्रूट्स फ्रूट्स खाए होंगे सभी ने है ना किसी का मैंगो फेवरेट होगा किसी का एप्पल होगा स्ट्रॉबेरी होगा ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के अलग अलग फ्रूट्स क्या होंगे फेवरेट होंगे तो उसमें आपने एक स्मेल uh, देखी होगी अगर आप मैंगो खाते हो तो मैंगो की स्मेल आपने अगर कोई आपके पड़ोस में खा रहा है बगल में खा रहा है दूसरा आपका फ्रेंड और अरे यार मुझे तो इसकी स्मेल आ रही है आई वॉन्ट टू दिस मैंगो प्लीज़ काश मुझे भी दे देता है ना ऐसा वाला हो जाता है तो फ्रूट्स क्या है इसमें जो स्मेल देता है केमिकल ओके okay? उनको जो स्मैल्स देता है फ्रूट्स को वही क्या कहलाता है बेटा एस्टर अंडरस्टैंड ब्रिक्स आर सोल्ड बाई नेम्स लाइक पॉलीकॉट पॉलीवूल टेरिकॉट एटसेट्रा देखो बेटा आप लोग और, और वर्ड से तो फेमिलियर हो नहीं हो लेकिन आई थिंक टेरिकॉट से पक्का फेमिलियर हो गया जैसे आपने कॉटन सुना है वैसे ही टेरिकॉट भी सुना होगा देखो ये फैब्रिक्स क्या होते हैं फेब्रिक्स आर सोल्ड बाई नेम्स जो ये पॉलीएस्टर के जो फेब्रिक्स होते हैं बेटा वो किस नेम्स से बेचे जाते हैं मार्केट में ये बेचे जाते हैं आपके पॉलीकॉट पॉलीवूल टेरिकॉट एटसेट्रा ओके एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स अब यानी इन जैसे कि इनका नाम है पॉलीएस्टर तो ये क्या होते हैं इनके जैसे कि इनके नेम है पॉलीकॉट पॉलीवूल टेरिकॉट है ना इन्हीं के नेम के अकॉर्डिंग क्या करा जाता है इनको बनाया जाता है दो टाइप के फाइबर्स को मिक्स करके ठीक है पॉलीकॉट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन यानी पॉलीकॉट को किससे में जा रहा है एक तो पॉलीमीस हो गया हमारा पॉलीएस्टर

है ना तो स्वेटर्स पहनते हैं और सॉल्स भी ओढ़ते हैं मम्मी लोग सॉल्स ओढ़ती हैं ब्लैंकेट्स है ना बिना ब्लैंकेट के तो हम सो ही नहीं सकते विंटर सीजन में तो बेटा मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल दो दे अपियर टू रिजेंबल वूल यानी आपने सोचा है uh, कि ये नेचुरल वूल से नहीं बनता है एक्चुअली सारे के सारे जो हैं हमारे सॉल्स ब्लैंकेट स्वेटर्स दे ऑल आर नॉट मेड फ्रॉम दी नेचुरल वूल ओके अब इतना सारा नेचुरल वूल कहाँ से आएगा भाई बताओ नेचुरल वूल अगर हम यूज़ करने लगे हर घर में नेचुरल वूल होगा यूज़ तो इतने सारे एनिमल्स चाहिए हमको उनके हेयर्स चाहिए है ना तो ये क्या होता है पॉसिबल इतना नहीं हो पाता है इसीलिए क्या होती है आर्टिफिशियल चीज़ें यहाँ पे मेडअप की जाती हैं तो ये क्या करता है बेटा पॉलिएस्टर क्या होता है सॉरी uh, एक uh, क्या होता है सेम अभी हम एक्रीलिक के बारे में पढ़ रहे हैं अभी नीचे आपका टॉपिक है एक्रीलिक भी सेम क्या होता है अब सेम uh, रिजेंबल करता है किसकी तरह हमारे वूल्स की तरह ओके नाउ दीज आर प्रिपेयर फ्राम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रीलिक यानी देखा यहाँ पर यही बात करी ना कि ये एक आ, इसको हम प्रिपेयर करते हैं अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर की तरह तो ये क्या कहला रहा है एक्रीलिक कहला रहा है अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे पॉलीएस्टर एंड एक्रिलिक पोलीस्टर हमने पढ़ लिया है कि पोलीएस्टर से क्या बनते हैं हमारे जितने भी क्या कहते हैं यूटेंसिल्स और हमारी बॉटल्स वगैरह थी उससे बनती थी ओके okay? और अब हम पढ़ रहे हैं एक्रेलिक के बारे में तो जितनी भी सॉल स्वेटर्स ब्लैंकेट्स हैं विंटर सीजन में जो हम वो करते हैं वोर करते हैं वियर करते हैं वो सारे के सारे हमारे किससे बने हैं एक्रेलिक से बने हैं यानी सारे के सारे नहीं कह सकते हम लोग और ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारी की सारी चीज़ें नेचुरल वूल से ही बनी है है ना क्या होता है कि कुछ कुछ जितना मतलब जो एफर्डेबल है अब देखो नेचुरल जो आइटम होगा वो क्या होगा कॉस्टली होगा है ना अब जो एफर्ट कर सकता है वो नेचुरल वुल ले लेगा जो एफर्ट थोड़ा नहीं कर सकते वो क्या कर लेंगे आर्टिफिशियली उसको ले लेंगे है ना तो ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये क्या है एक्रेलिक ओके okay? समझ आया या कुछ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दी वूल ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव देखो जैसे अभी मैम ने बताया ना कि वूल क्या होता है नेचुरल सोर्सेज से जो वूल ऑप्टेन किया जा रहा है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बेटा क्या होता है इसमें थोड़े पैसे खर्च होते हैं तो हमारी पॉकेट मनी खर्च हो जाएगी ना वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप यानी देखो इसकी जगह पर अगर हम आर्टिफिशियली लेंगे यानी हमने क्या करा एक्रीलिक ले लिया एक्रिलिक के बने हुए सॉल्स ले लिए ब्लैंकेट्स ले लिए या फिर हमने स्वेटर्स ले ली तो ये क्या होंगी बेटा चीप होंगी यानी थोड़ी सस्ती होंगी अकॉर्डिंग टू नेचुरल वूल इट सॉरी कंपैरिजन टू नेचुरल वूल ओके दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स और साथ ही साथ देखो एक तो सस्ते मिल रहे चीप मिल रहे हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑफ वेराइटी ऑफ कलर्स मिल रहे हैं तो कौन सी चीज़ अच्छी हो गई है हमारे लिए जो चीप भी है और सस, स, जो सस्ती भी है और कलर्स भी उसमें ब्यूटिफुल है, है ना यानी हमारे पास चॉइसज बहुत सारे हैं यानी मैं पिंक भी लूँगी येलो भी लूँगी रेड भी लूँगी है ना सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड एफोडेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर तेन नेचुरल फ़ाइबर्स देखो सिंथेटिक फाइबर क्या है मोर ड्यूरेबल है यानी बहुत ज़्यादा चलता भी है अफोर्डेबल भी है यानी कोई भी इसको खरीद सकता है और साथ ही साथ इसीलिए ये क्या हो गया पॉपुलर हो गया है ना बेटा पॉपुलर कौन होता है पॉपुलर कौन होता है चलो बताओ जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में है ना इसीलिए ये क्या है पॉपुलर भी है ओके नाउ यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स यानी आपने क्लास सेवन्थ में देखो आप लोग एट क्लास के स्टूडेंट्स से सभी तो आप लोगों ने पहले ऑलरेडी परफॉर्म कर रखी है एक्टिविटी जिसमें आपने सिंथेटिक फाइबर्स को क्या किया है जला के देखा है यानी बर्न करके देखा तो आपने देखा क्या उसमें बेटा क्या हुआ वहाँ पर बताइए तो वट डिड यू ऑब्जर्व बताइए क्या ऑब्जर्व किया कमेंट बॉक्स में बताइए वेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देअ बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फ़ाइबर आपने क्या देखा कि आपने जब उसको बर्न किया तो आपने क्या सिंथेटिक फाइबर में क्या फाइंड किया कि उसका जो बिहेवियर था ठीक है उसका जो बिहेवियर था उसका जो नेचर था वो क्या था डिफरेंट था नेचुरल फ़ाइबर से ओके okay? जब आपने सिंथेटिक फाइबर को जला के देखा बेटा तो आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जो उसका बिहेवियर था जो उसका नेचर था सिंथेटिक फाइबर का वो नेचुरल फाइबर से क्या था डिफरेंट था अलग था अब कैसे अलग था देखा आपने नोटिस किया होगा जब उसको जला के देखा नहीं जला के देखा है तो बंद कीजिए एक्सपेरिमेंट कीजिए बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ अ साइंस है ना तो साइंस तो एक्सपेरिमेंट मांगती है करती है यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग यानी जैसे ही आपने सिंथेटिक फाइबर को जलाया होगा या जलाओगे तो आप देखोगे कि वो क्या करेगा एकदम से जल जाएगा और पिघलने लगेगा यानी कुछ बच्चों ने तो किया होगा उसको जलाया जैसे हम लोग वूल को कभी कभी कुछ वूल्स को जलाते तो वो नीचे टपकता है जलते जलते गिरता रहता है ना या पॉलीथीन को कभी किया है ना उस टाइप का दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर बेटा यही एक डिसएडवांटेज है इसकी वरना ये तो पॉपुलर भी है कॉस्टली भी है सॉरी अफोर्डेबल भी है चीप भी है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी इसमें वैराइटी ऑफ कलर्स भी हमको मिल जा रहे हैं है ना और नेचुरल भी अकर नहीं हो रहा है ये आर्टिफिशियली अकर हो जा रहा है ठीक है तो हम लोगों को इतने सारे एनिमल्स नहीं चाहिए एनिमल्स के लिए फिर फीडिंग नहीं चाहिए होगी हमें ग्रास वगैरह नहीं चाहिए होगी उनकी देखभाल करना हमें नहीं पड़ेगा अगर आर्टिफिशियली हमें मिल जाएगा कोई प्रोडक्ट तो देखो अब इसकी बेटा जब भी कोई चीज़ होती है ना कुछ भी अगर होता है तो उसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज तो होता ही है ओके इफ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिस यानी यहाँ पे क्या हो रहा है आप अगर सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं तो वो एकदम से मेल्ट हो जाता है उसकी हीटिंग से एकदम से जल जाता है पिघल जाता है तो यही इसका डिसएडवांटेज डिसएडवाटेज है बोल रहे हैं सिंथेटिक फाइबर का अगर आप ऐसे कोई कपड़े पहनते हैं तो वो क्या हो सकता है आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है यानी क्या हो सकता है आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है यानी इट कैन बी डिस डिसेस्ट्रस ओके आपके लिए क्या हो सकता है क्रिटिकल हो सकता है यानी विनाशकारी हो सकता है तो द फैब्रिक मैंडस एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट यानी ये फैब्रिक क्या होगा अगर मान लो वैसे ऐसा होता होगा नहीं या होना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे जो जब भी हम ऐसी ड्रेसेस पहनते तो हमें फ्लेम के पास नहीं रहना चाहिए यह आपको कॉशन्स अपनाने हैं okay? ओके तो ऐसे फैब्रिक को अगर हम पहनते हैं तो हम किचन में नहीं जाएंगे आग के पास नहीं जाएंगे फ्लेम के पास नहीं जाएंगे तो देखो बच्चों क्या होता है कि ये कपड़ा जो होता है सिंथेटिक जो फाइबर है हमारा ये वाला एक्रेलिक जो है इसके बने कपड़ों में क्या होता है कि आग बहुत जल्दी पकड़ती है आग बहुत जल्दी पकड़ती है तो साथ ही साथ ये मेल्ट भी बहुत जल्दी हो रहा है मेल्ट हो रहा है तो ये क्या करेगा हमारी बॉडी में स्टिक हो जाएगा अगर मान लो हमने वो किया है हमने पहना है ऐसा कोई ड्रेस एक्रेलिक का बना हुआ और वहाँ पे कहीं पे फ्लेम है और वो हमारे ये ड्रेस में आके लग गया तो वो क्या हो जाएगा मेल्ट होगा और हमारी बॉडी पे चिपक जाएगा और दे दे कैन हार्म टू तो आवर बॉडी है ना इट विल बी हार्म टू तो आवर बॉडी हमारी बॉडी को क्या करेगा हार्म कर देगा है ना तो क्या बोल रहे हैं हाँ कि वी शुड दिव फो नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन और एन अ लेबोरेटरी तो हमें हाँ ये कॉशंस अपनाने चाहिए बेटा कि हम लोगों को कभी भी सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े यानी कि एक्रेलिक या इनसे बने कपड़ों को पहन के किचन में वर्क नहीं करना चाहिए ओके और ना ही लेबोरेटरी में वर्क करना चाहिए क्योंकि किचन में भी फ्लेम होता है एंड लेबोरेटरी में भी फ्लेम होती है आ, पहेली इज योर सहेली कम्स अगेन सी सैट ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर्स पॉलीएस्टर क्लोस वाइल्ड वर्किंग इन द किचन इसको अब समझ आया पहली बोल रही है कि अब मुझे समझ आया कि मेरी मम्मी कभी भी क्यों नहीं किचन में कभी भी मेरी मम्मी किचन में पॉलिएस्टर के कपड़े पहन के क्यों नहीं जाती हैं अब मुझे समझ आया क्योंकि क्या होता है अगर वैसे कपड़े पहन के जाएंगे पॉलिएस्टर के कपड़े बन के जाएंगे तो क्या हो जाएगा अगर फ्लेम के कॉन्टेक्ट में आ गए तो हम भी जल जाएंगे अंडरस्टैंड ये आपका चैप्टर था अब एक uh, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई गई है थ्रू द एनसीआर टी ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर बाई अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स यानी जितने भी ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं बेटा अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल और पेट्रोलियम ओरिजिन जब यानी कि पेट्रोलियम जब ओरिजिन किया जाता है तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स निकलते हैं जिसको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं और इसी के थ्रू इनको बनाया जाता है ओके नाउ अब ये था हमारा चैप्टर आ, का लास्ट टाइप सिंथेटिक फाइबर्स का लास्ट टाइप तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा कैरेक्टर ऑफ सिंथेटिक फाइबर तो तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे टेक केयर बाय बाय